हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रूप सिंह यादव, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी एंड व्यापम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी एमपीपीएससी प्री निकालना चाहते हैं, जो आपका मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो लग जाइए आज से तैयारी करने। और आप सभी विद्यार्थियों, 80+ क्वेश्चन कैसे सही कर सकते, क्या आपकी तैयारी की, कैसे आप तैयारी करें, कैसे आप एग्ज़ाम निकाल सकते, वो बताने वाला हूँ मैं आज। तो जल्दी से सभी इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। कौन कौन आ चुका है जल्दी से, मैं आप कमेंट्स भी देख लेता हूँ। तो जल्दी से आप सभी जो विद्यार्थी हैं, क्लासेस की लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए जस्ट सेकेंड, चलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कमेंट्स देखने में। चलिए नमस्ते विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अगर आप सभी मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड विद्यार्थियों रूप लाइव डाल के ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी अनअकैडमी प्लस। इसके साथ ही मध्य प्रदेश एक सामग्र अध्ययन अधिनियम स्पेशल समान हिंदी, जो कि कॉस्मोस से आने वाली मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी मध्य प्रदेश ज्ञान ज्योति करंट अफेयर की पुस्तक जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का पूरा करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, रूपसर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर यहाँ से आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो रूप से डालकर जो है आप सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी स्टोर, अनअकैडमी का एक नया फीचर्स है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर एमपीपीएससी गोल सेलेक्ट करें, स्टोर पर क्लिक करें, देन आप बैच को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसे जैसे ही ज्वाइन करोगे, नया बैच जो है आपको 23 फरवरी से शुरू हो चुका है, एक और नया बैच जो है 2 मार्च से शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर। अभी एक नया बैच जेल प्रहरी, वन रक्षक और जेल उप अधीक्षक का जो बैच है वो आप सभी के लिए अनअकैडमी स्टोर पर लाइव रहेगा। इसे ज्वाइन करने के लिए अभी टोटल जो फीस है 899 रुपीज़ टोटल फीस रहेगी। इस बैच के माध्यम से आप तैयारी कर सकते। साथ ही एक नया बैच 16 मार्च से एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022-23 के लिए शुरू हो चुका है। तो 2 बैच आप सभी की तैयारी कराएंगे। अगर अभी आज के दिन आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं 29 तारीख से लेकर 31 के बीच में, तो आपको एमपीपीएससी के सब्सक्रिप्शन पर 40% ऑफ रहेगा। इसके लिए आप सभी मेरा रेफरल कोड रूप से डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। देखो बालकों, अगर मैं एमपी जीके जीके को अलग कर लूं, तो एमपी जीके के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, 40 से 50 क्वेश्चन एमपी जीके के हैं। अब एमपी जीके के मैं जब मेरी किताब आप सभी पढ़े हो, तो मैंने एमपी जीके कैसे बांटा है आपको समझिए।
मैं क्या बोलता हूँ, एमपी का जियो पढ़ो, तो जियो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो हमारी तीसरी यूनिट है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यूनिट कौन सी है एमपीपीएससी में, यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। फिर एमपी का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, एमपी का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये हमारी यूनिट 1 है। इसके अलावा एमपी पॉलिटी और एमपी का इकोनॉमिक, ये हमारी यूनिट कौन सी रहेगी, 5। तो अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो पूरा एमपी की 3 यूनिट है एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो इन 3 यूनिट में फायदा आपको क्या है वो समझिए। सबसे पहले मुझे इस एमपी जी के तैयार कैसे करूं, अगर मुझसे आपने एमपी जी के पढ़ा होगा तो मैंने आपको एमपी जी के में कितने चैप्टर पढ़ाता हूं, 55 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़े हैं अपन ने, 55 चैप्टर पढ़े हैं। और अभी हम एमपीपीएससी को फोकस करते हैं तो एक चैप्टर एक दिन आता है हमारा, हम रोज तैयारी कर रहे हैं तो एक चैप्टर एक दिन, ठीक है बेटा, 1 चैप्टर 1 दिन। अब सबसे पहले हम यूनिट 1 को डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी राजवंश। अब ये जो पहला टॉपिक है ना इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं ये समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन में आप करिए एमपी के पुरातत्विक, पुरातत्विक जो स्थल है हमारे, एमपी के पुरातत्व स्थल, ये आप सबसे पहले पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एमपी के पुरातत्व स्थल जो है इसमें देखोगे, ठीक है। दूसरा इसमें सबसे क्वेश्चन यहां से आते हैं, फिर एमपी के प्राचीन नाम देखना, सबसे इजी टॉपिक है, अपन क्या डीप स्टडी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हमारे से बनता नहीं है। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या करना चाहिए, एमपी के प्राचीन, जैसे निमाड़ किसे कहते थे, ठीक है, पूर्वी आकार किसे कहा जाता था, अवंती किसे कहते थे, ठीक है, इसके अलावा भट्टा किसका नाम था, त्योटो प्राथमिक स्थल कहाँ पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पहले 2 चैप्टर पर बेस्ड रहते हैं। तीसरा है जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है वो है मौर्यवंश से। मौर्यवंश में विद्यार्थियों हमें सबसे बेसिस किसे पढ़ना है, अशोक के स्मारक, जो अशोक के स्मारक हैं हम वो तैयार करेंगे सबसे पहले, अशोक के जितने स्मारक हो गए, स्तूप अशोक ने जो बनवाए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलते हैं, अभिलेख कौन से हैं, तो ये वाला टॉपिक हम देखेंगे। मतलब पूरी हिस्ट्री में अभी हमने कौन से 3 टॉपिक चलती है, हमें एमपी डीप पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ भी दोगे कुछ टॉपिक तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर एमपी में आप ज़्यादा टॉपिक छोड़ते हो तो आपके क्वेश्चन जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सातवाहन पढ़ना है। सातवाहन में विद्यार्थियों आप पूरा हिस्ट्री वाला पढ़ोगे, मतलब सातवाहन और सुंगकाल, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पुष्यमित्र सुंग का क्वेश्चन पूछ लेगा या अग्निमित्रम का क्वेश्चन, तो ये 2 वंश हमें मेनली याद रखने हैं। अब इसके बाद आप याद रखोगे परमार वंश, परमार वंश में भी जब आप पढ़ने बैठो तो परमार में पढ़ोगे राजा भोज, क्या पढ़ोगे, विशेषता राजा भोज, ठीक है, राजा भोज से क्वेश्चन सबसे यहाँ पूछता है। दूसरा राजा पढ़ना मुंज, ये 2 राजाओं के नाम जो है अच्छे से लिख लीजिए, इनके बारे में जितनी नॉलेज अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि इन दोनों पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर आ जाओ हमें नेक्स्ट है हमारा चंदेल वंश, चंदेल वंश में भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विद्याधर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, विद्याधर से क्वेश्चन आते हैं, राजा ध्रंग को अच्छे से पढ़िए और प्लस खजुराहो को अच्छे से पढ़िए, ये मेनली हमारा क्वेश्चन एग्जाम में चंदेल वंश से पूछता है। फिर आ जाओ कलचुरी, कलचुरी आप डीप स्टडी करिए, कलचुरी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कलचुरी वंश से
तो हमें ये वाला पोस्टर अच्छे से याद करना है। फिर करेंगे हम आधुनिक इतिहास का वंश, सिंधिया वंश। सिंधिया वंश, इसके अलावा होलकर वंश, फिर तोमर वंश। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से जो प्रमुख घटनाएं हैं, राजवंश हैं। इतने 10 टॉपिक आप तैयार करोगे, कितने हो गए इतने 10 टॉपिक। एमपीपीएससी एग्जाम बेटा जो है मई में है बेटा, इन टॉपिक को जल्दी से नोट कर लीजिए जो आपको तैयार करने हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अटेंडेंस लगा दे जो आ चुके हैं, एक बार मेरे सारे छात्र जो क्लास में आ चुके हैं अटेंडेंस लगा लो। कौन कौन तैयारी मेरे साथ करना चाहता है अभी? कितने छात्र हैं जल्दी से जो मेरे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं? बेटा मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा लाइव, जल्दी से बताइए कितने विद्यार्थी। रोज आपका एक टेस्ट लूंगा मैं आप सभी का। चलिए तो बालकों, एक दिन एक पेपर, एक मतलब एक टॉपिक जो है, आप ये सारे टॉपिक क्या आप बेटा एक दिन में तैयार कर सकते हो। तो जब आपका एमपीपीएससी होना तो एक दिन में ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम आ जाते हैं विद्यार्थियों दूसरे टॉपिक्स पर। ठीक है, चलिए दूसरे टॉपिक क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले पढ़ो 1857 की क्रांति, बहुत अच्छे से तैयार करना, ये सबसे ज्यादा पूछता है 1857 क्रांति। दूसरा क्या रखोगे, इसी में हमें व्यक्तित्व करना है, व्यक्तित्व से तत्वार है क्रांतिकारी, हमें क्रांतिकारी तैयार करने होंगे। फिर हत्याकांड से संबंधित, जैसे जलियावाग हत्याकांड कहाँ हुआ, भोपाल का हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, रीवा का हत्याकांड से क्या समझते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन। फिर आंदोलन तैयार करिए, जैसे असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं व्यक्तिगत आंदोलन एमपी में कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रभाकर डुंडी राज इसके व्यक्तित्व थे। तो ये क्वेश्चन हमसे मेनली पूछता है, तो याद रखो। फिर एक क्वेश्चन ऐसे याद करना है आपको, जितने आप एमपी में वंश पढ़ो, वंश संस्थापक और उसकी राजधानी। ठीक है, वंश संस्था, ऐसे वंश संस्थापक, एक जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओ, मान लो बुंदेला वंश आया, ठीक है, तो संस्थापक होगा जो है आप बुंदेला वंश, तो बीसी बुंदेला, राजधानी ओरछा बड़ौनी और दतिया, आप राज क्षेत्र लिखोगे बुंदेलखंड। तो चौथा टॉपिक क्या बनाना है आपको, क्षेत्र बुंदेलखंड बनाना है। ठीक है, ऐसे जब अपन प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़े, एक ऐसी चार्ट जरूर बना लीजिए, जिससे क्या होगा आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, और बालक को एक क्वेश्चन वो हर विद्यार्थी गलत कर देता है, क्योंकि याद तो नहीं रहता। राजधानी मानो संस्थापक याद होगा, राजधानी याद नहीं होगी, क्षेत्र याद नहीं होगा। तो हमें एक साथ वो जो है एक एक वंश को नोट डाउन करते चलना है और एक एक वंश को आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा। अब आ जाओ मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापन, इसको अपन दो भाग बांटेंगे, एमपी की चित्रकला। देखो दो टाइप से आप इसको याद कर सकते हो, पहले सबसे आसान तरीका है मानचित्र, मानचित्र बना लीजिए। मानचित्र में हमें चार क्षेत्र में पूछता है, मालवा पूछेगा, निमाड़ में होती है हमारी, फिर बघेलखंड पूछता है और बुंदेलखंड। इस प्रकार से आप सबसे पहले नाम लिख लीजिए चित्रकला के। जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछा कि संझा का चित्र कहाँ बनता है, तो मेरे को याद होगा मैंने मालवा में पढ़ा है, तो संझा चित्रकला कहाँ से संबंधित है, मालवा रीजन से। अब मान लीजिए मूर्ति कहाँ पर बनते हैं, ठीक है, मूर्ति बुंदेलखंड का लोक चित्र है, तो हमें यहाँ पर बुंदेलखंड याद रख लेंगे। छठी चित्र कहाँ बनते हैं, छठी चित्र बघेलखंड में बनता है, तो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, तो हमें 10 मिनट के अंदर वो पूरी चित्रकला आप तैयार कर लो। ऐसे ही शिल्प कला करना है, शिल्प कला आपको भी तैयार करने का सबसे आसान तरीका क्या है,
डायग्राम है। मानचित्र बनाओ, आप आसानी से तैयार कर लीजिए। देखिए विद्यार्थी, यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी से बेटा लाइक कर लीजिए, सुन पा रहे हो बेटा? एक बार क्लास सबको शेयर कर दीजिए जल्दी से। चले होंगे चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? इसके बेटा एक एक यूनिट का ऐसे अध्ययन करना है आपको, विशेषतः एमपी में आपको डीप करना है। अब आ जाओ जनजाति और उसकी बोलियां। बोलियां आसान है। सबसे पहले बोली जो एग्जाम में याद रखना है, बुंदेली, मालवी और बघेली। अभी तक जितने एग्जाम हुए इन तीन बोली पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? आपको इन जो है तीन बोलियां अच्छे से रखना है। इसके बाद हिंदी की उपभाषा क्षेत्र, हिंदी में आप एक टॉपिक पढ़ोगे उपभाषा क्षेत्र, ये जरूर तैयार करें, ठीक है? हिंदी का उपभाषा क्षेत्र। अब आ जाओ जनजाति। जनजाति में क्या पढ़ें सबसे पहले, कैसे तैयार करना है? सबसे क्वेश्चन था भूल जाते हैं। तो देखो मुझे चार जनजाति को अच्छे से करना है, गोंड, भील, भारिया, सहरिया, बीगा। आप इन पांच जनजाति के बाद में सब पढ़ें। यहां पे इन पांच में कोई चॉइस नहीं है। बाकी जनजातियों में क्या पढ़ोगे, जैसे पंचायत पढ़ लीजिए, ठीक है? डांस कर लीजिए, उसका व्यक्तित्व देख लीजिए कहाँ से वो संबंधित है, और उसका क्षेत्र कर लीजिए, ठीक है? उसमें कोई एक आध पॉइंट विशेष होगा तो वो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा पारधी, अब ये जनजाति आई, इस जनजाति का मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया अभी तक कि पारधी शब्द जो है किस भाषा का है, तो ये इसका मेन पॉइंट यही है, मराठी भाषा का ये शब्द है, इसका मीन्स क्या होता है, आखेट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको किसी ना किसी शेड्यूल ट्राइब में मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो पांच अच्छे से करना है, बाकी पांच में ये देखना है। फिर एक टॉपिक और है जनजाति व्यक्तित्व का। तो जनजाति व्यक्तित्व में आप सबसे अच्छे कौन से पढ़ ले, जैसे टंट्या भील, टंट्या भील से क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है? ये अच्छे से तैयार कर ली, ये आना ही है। अहिल्याबाई, अहिल्याबाई का क्वेश्चन आता है, ठीक है? व्यक्तित्व में अवंती बाई का क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने शब्द में बाई वाले हैं ना वो सारे अच्छे से करना। दुर्गा बाई, दुर्गावती, झलकारी बाई, गिरधारी बाई, कमलापति, हल्की बाई, ये आपको जब ओरछा रियासत पढ़ोगे ना, टीकमगढ़ ओरछा वाली रियासत, तो वहाँ पे आपको हल्की बाई मिलेगा। तो ये जो व्यक्तित्व के क्वेश्चन हैं हमें इनको ज़्यादा अच्छे से करना है। फिर ख्वाजा नायक, ख्वाजा नायक, ठीक है? इससे क्वेश्चन, पेशवा का क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव, ठीक है? पेशवा बाजीराव, ये क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों ऐसे तैयार करना है आपको। ये मेनली फोकस जो है आप इन पर सबसे आप फोकस करना है, ठीक है? ये व्यक्तित्व पे यहीं से क्वेश्चन उठाता है वो बालक को। अब आ जाओ त्योहार, संगीत, लोक कला और लोक साहित्य। अब इस टॉपिक को कैसे पढ़ोगे, ये अपना तैयार हो गया है तो सुनो। जैसे मान लीजिए मुझे त्योहार याद करने हैं, तो आपको ना विशेषता चार रीजन मार के पढ़ना है। कैसे? बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, निमाड़ का और मालवा रीजन की। ऐसे चार खाने आपको जो है त्योहार लिख लीजिए। जैसे बिन की कहाँ का पर्व है, या बिन की जो तो अपन किसानों का पर्व है, उसी में डांस भी किया जाता है। फिर ऐसे ही आपको संगीत करना है, ऐसे ही आपको जो है डांस फॉर्म याद करने हैं, ठीक है? जैसे अब आपसे पूछा है कर्मा डांस फॉर्म कहाँ का, तो एक तो जनजाति का क्वेश्चन, भाई बेघा गौंड जनजाति का,
कब करते हैं? बरसात के आगमन पर करते हैं। किस जगह होता है? बघेलखंड होता है। तो आपको क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए। फिर हम आ जाओ धार्मिक और पर्यटन स्थल। तो हम इसको पहले रफ कर लें, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, धार्मिक पर्यटन स्थल। तो सुनो हमें इसके कैसे करना है, पहले पढ़ो अपन विश्व धरोहर। विश्व धरोहर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लिख लिया अपन ने एक क्वेश्चन। दूसरा पढ़ो आपका आर्द्रभूमि, क्योंकि अपने पास चार आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं हमारे पास? चार है, इन ये तीन है। फिर पढ़ो जैव आरक्षित क्षेत्र, क्या पढ़ोगे? जैव आरक्षित क्षेत्र। फिर जैव आरक्षित स्थल, ये तीन है, ये तीन है। अब इन चार टॉपिक को ऐसे क्लियर कर दिए। अब देखो खजुराहो, सांची, भीमबेटिका, हमें इसका क्वेश्चन। राजा भोज, भोजताल झील से क्वेश्चन। यशवंत सागर से क्वेश्चन, सिरपुर सागर से, और शंखराजे झील। जे बात चीजें पचमणी, पन्ना और अमरकंटक। यहाँ पे आरक्षित स्थल कौन से हैं? जैसे नरो हिल सतना की, अमरकंटक और पातालपानी। तो इन चार पर क्वेश्चन वो हमेशा डालेगा। अब देखो इन चार के बाद हमारा पर्यटन में सबसे पहले क्या पढ़ो आप, केले तैयार करो। फिर एक पेज पर डाइव, ये सब कैसे करना है? मैप से पढ़ना है, वरना आपको याद नहीं होंगे। किला, गुफाएं, फिर आपको महल करना है। फिर मंदिर कैसे करोगे अलग अलग? जैन मंदिर अलग कर दो, जैन मंदिर अलग कर दीजिए। फिर आपके जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ऐतिहासिक प्लेस, उनको अलग कर लीजिए। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आप अलग कर दीजिए। जैन मंदिर हिस्टोरिकल हो गया। जैसे आप मान लीजिए उज्जैन मुझे पढ़ना है, उज्जैन से मेरा क्वेश्चन हमेशा आता है, चित्रकूट से हमेशा आता है, महेश्वर से हमेशा आता है, ठीक है। इसके अलावा ओमकारेश्वर पे हमेशा क्वेश्चन डालता है, मांडू पे वो हमेशा पूछेगा। तो ऐसे अपन स्थल अलग कर लिए। फिर ऐसे आपको बच्चे जो मंदिर हैं वो तैयार करने होंगे। अब विद्यार्थी इसके अलावा हमें क्या करना है पर्यटन में? तो देखो हमसे समाधि पूछेगा, बताइए दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो आपको बरेला याद होगा। इसी प्रकार हमें मकबरा याद करना है, ठीक है। तब हमारा ये धार्मिक पर्यटन स्थल वाला टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। और इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर आप पेपर नहीं देखो तो 5 क्वेश्चन इन टॉपिक में, एमपी के 5 टॉपिक तो यही है, ठीक है। अब साहित्यकार और उनकी कृतियां, ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से तैयार करना है। चल अब देखो विद्यार्थियों दूसरा टॉपिक, इसमें भारत का इतिहास दिया है, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जैसे इतिहास दिया, प्राचीन इतिहास है, तो जैन, बौद्ध, मौर्य, प्राचीन इतिहास के जो मेन टॉपिक है मौर्य, शुंग, सातवाहन, चोल, ठीक है, चोल वंश अच्छे से तैयार करना है आपको। इसके अलावा विजयनगर, ठीक है, इधर आपको हड़प्पा अच्छे से करना है। हड़प्पा तो आपने अभी भी पढ़ी होगी, क्योंकि पटवारी में पेपर में आ रहा है हड़प्पा, ठीक है। और इधर वैदिक काल, ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स में क्या पढ़ोगे, संस्थापक का नाम पढ़ना है आपको, कौन सा संस्थापक है, उसकी राजधानी क्या है वंश की, और उसका क्षेत्र क्या रहा। ये हमें इस प्रकार से इन वंश को तैयार करना है। ऐसे जैन में तो सारे तीर्थकर के नाम, विशेषकर महावीर जैन को पढ़ोगे। अब इधर आ जाओ मध्यकालीन इतिहास में, तो मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत पढ़नी है मुझे सिर्फ अकेली, क्या पढ़ने को बोलूँगा, दिल्ली सल्तनत आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सूरी वंश आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है, मुगल वंश आप अच्छे से करिए, ठीक है।
और जो परिवर्तित मुगल पीरियड है आप उसे अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा विद्यार्थियों मराठा, ठीक है, सब में इन टॉपिक में भी यही रखोगे, संस्थापक, राजधानी, उसका क्षेत्र क्या है। मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन आ गया शिवाजी से, तो शिवाजी महाराज क्या थे, मराठाओं के संस्थापक रहे, उनकी राजधानी क्षेत्र कहाँ थे और उनका क्षेत्र क्या रहा, प्लस उनने कौन से किले जीते, पुरंदर की संधि क्या थी, वहां से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। अब दूसरा, प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, तो इसमें सबसे ज्यादा आता है प्रशासनिक, मतलब यहां पे आपको मंत्री का पद पूछना है कि मान लीजिए शनिहर्ता किसे कहा जाता है, ठीक है, और सुमंत किसे कहते थे। अब मान लो ये क्वेश्चन आया था सुमंत क्या है, अब ये क्या है, एक प्रशासनिक पद है, कैसा पद है, ये प्रशासनिक पद है, अब इसका मीन्स होता है विदेश मंत्री, ठीक है, रहोगे विदेश मंत्री। तो आपको जैसे दिल्ली सल्तनत के कॉमन है, तो आप दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था लास्ट में दी गई टेबल बना लो, मुगल में प्रशासनिक व्यवस्था दी गई टेबल बना लो, मराठा में प्रशासनिक व्यवस्था टेबल बना लीजिए। इधर हमें किसमें करना है, मौर्य वंश में, मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था टेबल। तो आपको सबका नहीं, मैं जो चार पांच टॉपिक बता रहा हूँ इनकी तो आप प्रशासनिक व्यवस्था पूरी पढ़ लीजिए, 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इन धार्मिक में क्या रहोगे, सबसे ज्यादा आता है भक्ति काल, तो भक्ति काल आप अच्छे से तैयार करें, जैसे शंकराचार्य महाराज हो गए, इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हमेशा शंकराचार्य से क्वेश्चन आपको बनना ही है एग्जाम में, तो इनको कर लिए। चेतन महाप्रभु, इनकी इनके बारे में पूछ लेता आपसे, ठीक है, फिर रामानंद, ठीक है, निम्का आचार्य जी, इनके बाद पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कि निम्का आचार्य जी कौन से बाद से संबंधित, रामानंद कौन से, उत्तर और दक्षिण के बीच भक्ति काल को कौन ले गया, कौन बीच की कड़ी थे, तो रामानंद से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमें याद करना है। फिर सिख समुदाय, आप बेटे एक जगह सिख के बारे में, सिख के जो 10 गुरु हुए, 10 गुरुओं के बारे में अच्छे से तैयार करना है, प्लस जो अपने राजा रणजीत सिंह थे तो उनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, ये हमारा एक 10 के अलावा ये टॉपिक है, तो इसको अच्छे से तैयार करोगे। फिर जो सामाजिक आंदोलन थे, ठीक है, बोने करना, जैसे सामाजिक आंदोलन से तात्पर्य क्या है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, फिर हमारा जो है इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, ये आपको तैयार करने। फिर स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें विशेषता एक चैप्टर बनाओगे आप महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या क्या काम किए, तो एक पूरा चैप्टर महात्मा गांधी पर पढ़ना है। महात्मा गांधी से जो है हमारा परीक्षा में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो हमें महात्मा गांधी अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए अब आ जाओ विद्यार्थी तीसरे चैप्टर पे, तीसरे चैप्टर में बस वही आ गए एमपी में, देखो वन, वनोपज, वन जीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं। अब देखो इसमें 3 टॉपिक दिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है उससे संबंधित संस्थान लिख लेना, ठीक है, एक जगह कौन से, जैसे मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो ऐसे आप लिख लीजिए। फिर साल का परसेंटेज कितना है, बांस कितनी पाई जाती है, सागौन कितना पाया जाता है, ठीक है, तेंदुपत्ता क्या है, ये क्वेश्चन हमें तैयार ऐसे रखना है। फिर हमारा है वन्य जीव, वन्य जीव से मतलब है हमें नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर आप 2 जगह पढ़ेंगे। फिर नदियां, सबसे ज्यादा पूछी जाती है नदियां, नदियां का आप हमेशा मैप के साथ पढ़ना है, आपको जो मैंने मैप बनवाए हैं वो मैप आप रखिए, उनको तैयार लेके नदियां तैयार करना है। फिर पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं में आप रखोगे सबसे अच्छा, ये आपका मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र अच्छे से करना, फिर पर्वतें पढ़ना, फिर पर्वतों का निर्माण, ठीक है,
निर्माण पीरियड, ये तीन टॉपिक जो मैं आपको हमेशा कराता हूँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये टॉपिक कर लेते हो ना तो एग्जाम में दो क्वेश्चन, इसी एक बार एग्जाम में इसी टॉपिक से 7 क्वेश्चन पूछ लेते। मालवा पठार का एरिया कितना है, सबसे बड़ा नर्मदा सोन घाटी में जो है चौड़ाई बताइए, ठीक है, उसका अफवाह तंत्र बताइए। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको मैंने बघेलखंड से क्वेश्चन उठा लिया था, उसने सबसे छोटा मतलब अपने बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर मानसून कहाँ सबसे ज़्यादा बरसा करता है, तो बघेलखंड एरिया, ऐसे क्वेश्चन आपसे उठाएगा, ठीक है। चलिए फिर जलवायु, जलवायु कैसे करोगे, सबसे ठंडा क्या है, सबसे गर्म क्या है, तापमान ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आप इस वे में याद करना है जलवायु, ठीक है। खनिज, खनिज को मैप से पढ़ना है। परिवहन, परिवहन में आपको याद करने की कैसे याद तैयार करोगे, सुनो, सड़क याद करनी सबसे पहले, मैं क्या पढ़ूँ, सड़क, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे, छोटा नेशनल हाईवे, ये तैयार करना है। फिर रेल, रेल आपको तैयार करना है, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, फिर रेल से संबंधित फैक्ट, फिर वायु, सिंचाई विद्युत परियोजना, इसके लिए क्या बनाओगे आप, मानचित्र बना के याद करो, एक मैप। जिसको विद्यार्थियों मानचित्र बनाने में समस्या आए तो मुझे बता देना, जो टॉपिक याद नहीं होगा तो मानचित्र बनाकर आपको मैं तैयार करवाऊंगा, ओके। चलिए इसके अलावा सिंचाई विद्युत परियोजना हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो सिंचाई के बांध हमें सबसे पहले नहरें याद करें, इसमें तालाब याद करें, छोटे बांध पढ़ें, ये हमारा पहले सिंचाई वाले टॉपिक के लिए। फिर हमारी ये विद्युत परियोजनाएं, तो जहाँ जहाँ विद्युत मिलती हैं, विद्युत जो प्रोजेक्ट हैं हमारे, उनके क्या बनाओगे आप, मैप बनाना है, तो हमारा ये टॉपिक। फिर कृषि दिया है, तो सुनो, कृषि के लिए आप पहले तो फसल देखो, फसल को कैसे याद करना है, मैप से। फिर के फिर बोने का समय, जो कैसे बोते हैं, जलवायु की कटाई का समय, रबी और खरीफ में डिफरेंस याद करना है। फिर हमारा पशुपालन, पशुपालन में आपको एक एक के बारे में, जैसे दूध, गाय, भैंस, बकरी, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है एग्जामिनर। फिर हमारे आ जाओ कृषि बेस्ड उद्योग, तो ये कहाँ टॉपिक मिलेगा आपको, उद्योग वाले में, तो कृषि बेस्ड उद्योग को मैंने आपको मैप बनाकर पढ़ाए हैं, क्लियर विद्यार्थियों। तो ऐसे बेटा तीन टॉपिक मैंने अभी तक बताए हैं आपको, तीन टॉपिक में कोई डाउट्स है पूछ लीजिए, और बालक को आप अगर मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो तो बेटा आपका पूरा बैच जो है अनअकैडमी पर मैं अच्छे से, तो ये बैच शुरू हो चुका है, तो अनअकैडमी पर जो है मैं नए टॉपिक करवाऊंगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों आगे की ओर। बालकों आप रात में रेगुलर 10:30 बजे अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बेटा सारी यूनिट वाइज यूनिट में आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, आप लोग जो अटेंड करते हो तो उनकी आंसर की जो है टेलीग्राम पर डालता हूँ, ठीक है, सारे विद्यार्थी जरूर उसे पढ़ें। अब आ जाओ भौतिक भूगोल की विशेषताएं, तो इस भौतिक भूगोल में आप क्या करोगे, विश्व का भूगोल भी तैयार करना है, जैसे चट्टान आप पढ़ोगे,
ज्वालामुखी तैयार करना है, ठीक है, घास तैयार कर, घास के जो मैदान है वो तैयार करोगे। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, पर्वत याद कर, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, पठार, सबसे ऊंचा पठार बताइए, झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलें कौन सी हैं, ठीक है, फिर वर्षा, सबसे यहाँ वर्षा कहाँ होती है, वन, विश्व के खनिज, ठीक है, विश्व में कृषि, फिर महानगर, क्या रहोगे, महानगर। तो ये क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछेंगे। बेटा थोड़ा रुकना, मेरा इन्वर्टर चला जाएगा, थोड़ा सा रुको। थोड़ा बेटा स्पीड से करा रहा हूँ, थोड़ा इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही आपको इंडियन वाला तैयार करना है, वन, खनिज, जल संपदा, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और सफारी। फिर सामाजिक भूगोल पे आ जाओ, ठीक है, सामाजिक भूगोल में क्या करना है, आपको जनसंख्या अच्छे से तैयार करो, किसको, जनसंख्या वाला टॉपिक है सबसे अच्छा। दूसरा उद्योग, यातायात में वही सड़क पहले तैयार करना है, रेल पहले तैयार करना है, वायु और जल तैयार करो, यहाँ क्यों चार प्रकार के हैं। विश्व के महाद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है ये, ठीक है, महासागर और सबसे ज़्यादा ये वाला टॉपिक, सब इसको याद कर लोगे तो हर एग्जाम में तीन क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछता है, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, गैर परंपरागत क्या है, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी से क्वेश्चन वो आपका उठा लेगा। अब आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट पाँचवीं यूनिट, पांचवी यूनिट्स में कैसे तैयार करोगे, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल के नाम सहित, कौन सा राज्यपाल क्या रहा, सीएम का नाम, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष का नाम, विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन रहे वो पढ़ोगे, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष पढ़ोगे, महाधिवक्ता पढ़ना है आपको और सचिव, ठीक है, ये सबसे ज्यादा नाम राज्यपाल का और सीएम का, ये तो आपको अच्छे से करके जाना ही होगा। फिर पंचायती राज व्यवस्था, जो मैंने आपको एक पेज में पंचायत पढ़ाया था, आर्टिकल सहित पंचायत और नगरीय प्रशासन, 10 पेज मैंने आपको दिए हैं, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार जनगणना मध्य प्रदेश की मैंने आपको पहले ही बता दिया, एमपी के उद्योग, जनजाति, तो ये टॉपिक तो रिपीट हो गया, ये भी ज्योग्राफी का यहां रिपीट हो जाता है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। चलिए भारतीय संविधान की शासन प्रणाली और उसकी अर्थव्यवस्था समझाइए। तो 1919, 1935, 1909, ठीक है, फिर 1958 आपको तैयार करना है, 1961 तैयार करना है, 1833 और रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपको फिर भी पढ़ने हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन के अलावा क्रिप्स मिशन आपको अच्छे से तैयार करना है, कैबिनेट मिशन आप अच्छे से तैयार करोगे, अगस्त प्रस्ताव आपको अच्छे से करना है, त्रिपुरी अधिवेशन अच्छे से तैयार करना है, शिमला समझौता, शिमला योजना क्या थी वो देखना है, जून योजना क्या है आपको ये देखना है, इसके अलावा संविधान सभा, समिति और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये आपका पहला टॉपिक है, ये दो टॉपिक जो है यहां से तैयार करना है। फिर संघीय कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति, तो वही राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम देखोगे आप, प्रधानमंत्री का नाम देखना है, महान्यायवादी देखना है और कैग देखोगे, ठीक है, सभी कैग अध्यक्षों के पहले से लेकर अंतिम जो कैग अध्यक्ष है उनको तैयार करना होगा। संवैधानिक संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक व्यवस्था, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके नाम तैयार करना, यहाँ पर भूल नहीं जाना, और यहाँ पर संसद, लोकसभा की सीट,
कौन से राज्य में कितनी है, राज्यसभा की सीट किस राज्य में कितनी है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो बैंकिंग वाला सेक्टर अच्छे से पढ़ना। आपको सिर्फ बैंकिंग पूछा गया है, लेकिन पंचवर्षीय योजना भी देख लेना एक बार, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। चलिए अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों यूनिट नंबर 7। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत ना पढ़ के आप इसमें क्या पढ़ोगे, पूरा फिजिक्स तैयार करना है, केमिस्ट्री तैयार करना है और बायोलॉजी, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे, अन्यथा क्या होगा, मौलिक सिद्धांत मतलब सब कुछ पूछ लेना, ठीक है। तो आप मौलिक सिद्धांत मान लीजिए ओम का नियम पूछा, ठीक है, अब वो आता है विद्युत में, तो आप विद्युत तैयार करिए पूरा, ठीक है, लाइट अच्छे से तैयार करिए, यहाँ से क्वेश्चन मैंगली पूछेगा वो, ठीक है। फिर प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उपलब्धि, उपग्रह, अंतरिक्ष, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली यूनिट। फिर जैव विविधता, सबसे ये भी अच्छे से तैयार करना है, पूरा इन्वायरमेंट यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, शरीर की संरचना वाला चैप्टर अच्छे से करना, कृषि तकनीक से पूछेगा नहीं, स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, तो ये कोविड और एमपी के स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़ना है आपको, जो एमपी ने गवर्नमेंट ने चालू की। इसमें प्रदूषण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है प्रदूषण, ये आपको अच्छे से इस यूनिट में तैयार करने हैं। अब आ जाओ मेनली नेक्स्ट यूनिट 8, इसमें आप सबसे ज़्यादा बेटा एमपी करंट अफेयर तैयार करके जाओगे, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन, वहीं राष्ट्रीय करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। आपको मैंने अपनी मध्य प्रदेश की बुक दी है करंट अफेयर की, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आप लर्नर गुरु ऐप पर, आपके लिए पूरा कंटेंट एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से, आपको एक बार पढ़ना है पूरा कंटेंट एक जगह, आज लर्नर गुरु ऐप पर उपलब्ध रहेगा, जहां आप पूरा कंटेंट एक साथ तैयार कर सकते हो। आपको एक बार नोट्स पढ़ना स्टार्ट करो और पूरे एक चैप्टर वाइज लगा डालो, एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से आपको लर्नर गुरु ऐप पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पूरे नोट्स उपलब्ध रहेंगे नाइट में आज से, ठीक है। अब सूचना प्रौद्योगिकी, तो हमें सूचना प्रौद्योगिकी पर अच्छे से मेहनत करनी है, ब्राउजर अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ पर सर्च इंजन, वायरस, ये अच्छे से कर लिए। फिर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन सबसे आप पूछता है, तो ये वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। ई गवर्नेंस, जितने भी सरकार के प्रोग्राम हैं वो सारे, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क साइट सारी देखना है, ई कॉमर्स। अब आ जाओ यूनिट 10 में। चलिए देखो एमपी, ठीक है, इसमें आपको फिर यहाँ पर चारों टॉपिक जो है एमपी वाले आयोग भी देखना है, ठीक है। आपको जैसे मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये टॉपिक आप विशेषता देखोगे। इसके अलावा कैग आप पॉलिटी में पढ़ चुके हो, ये आप पॉलिटी में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, इसको भी आप पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देखोगे। तो फिर नीति आयोग आपको अच्छे से करना है। एक और है हमारा खाद्य संरक्षण आयोग, वो इसमें दिया नहीं है, वो अच्छे से देखो। अब इसमें क्या देखोगे विद्यार्थी, इस यूनिट को कैसे तैयार करना है, तो वो समझ लीजिए। सबसे पहले आयोग की स्थापना, ठीक है, वो रिपोर्ट किसको देगा, उसके सदस्य क्या हैं, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, उसका कार्यकाल क्या है, ये सारे, तो ये पॉइंट्स जो है आपको देखने होंगे। क्लियर विद्यार्थियों? तो बेटे ये आप सभी के लिए जो एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप एग्जाम निकाल सकते हो, तो सब कुछ इस